Hello students, मैं हूँ जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माई YouTube चैनल Orator Institute of English. आज मैं आपके लिए नरेट करूँगा टू वर्जन्स जो लिखा है कमला मार्कंडेया ने. कमला मार्कंडेया का जन्म हुआ था 1924 मैसूर में और इनकी मृत्यु हुई 2004 ब्रिटेन में. ये मद्रास यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी. ग्रेजुएशन को बीच में छोड़कर इंडिपेंडेंस के बाद ये चली गई ब्रिटेन और वहाँ जाकर इन्होंने एक इंग्लिशमैन से शादी कर ली. कमला मार्कंडेया का असली नाम था कमला पूर्णैया टेलर, लेकिन वो कमला मार्कंडेया के नाम से अपने नॉवेल्स को लिखा करती थी. कमला मार्कंडेया का पहला नॉवल था नेक्टर इन अ सीव. ये उस वक्त का बेस्ट सेलिंग नॉवल था. कमला मार्कंडेया जानी जाती थी अपने उन नॉवेल्स के लिए जिनमें दिखाया जाता था क्लैश किनके बीच, अमीरों और गरीबों के बीच, ईस्ट और वेस्ट के बीच, मैन और वुमेन के बीच, रूरल और अर्बन क्लासेस के बीच. वो बहुत ही खूबसूरती से महिलाओं की समस्याओं को दर्शाया करती थी. आर के नारायण के बाद मेरे हिसाब से जो भारतीय जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स दिए हैं वो कमला मार्कंडेया ही हैं. तो चलिए सुनते हैं नरेशन और समरी टू वर्जन्स की जो लिखा है कमला मार्कंडेया ने. उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश जो मेरठ में है वहाँ 15 तारीख से बीए एमए के बैचेस बन रहे हैं. जो भी स्टूडेंट बीए और एमए पढ़ना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन में ऑरेटर इंस्टीट्यूट का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करें और बैचेस को ज्वाइन करें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं नरेशन टू वर्जन्स का. ललिता और सरोज दो बहनें अपनी अम्मा और अप्पा के साथ एक गांव में रहती हैं. इनका परिवार गरीब लेकिन खुशहाल है, अपनी छोटी सी दुनिया में मग्न लोग. ललिता सरोज से ज़्यादा खूबसूरत और चंचल स्वभाव की लड़की है. उसकी एम्बिशंस और एक्सपेक्टेशंस लाइफ से बहुत ज़्यादा हैं. उसका फिजिकल अपीयरेंस किसी को भी उसकी ओर अट्रैक्ट कर देता था. दूसरी तरफ सरोज जो एक आम नैन नक्शे वाली लड़की है जो साधारण जीवन जीती है, अपनी लाइफ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. अपनी बहन ललिता की खूबसूरती उसकी अदाओं पर फिदा रहती है. एक तरह से ललिता सरोज की रोल मॉडल है. अप्पा ललिता को ज़्यादा प्यार करते थे कि ये मेरी बेटी परियों जैसी है, लेकिन अम्मा हमेशा अपने पति को समझाती थी कि दोनों अपनी ही बेटियां हैं, सरोज के साथ भेदभाव ना किया करो. अप्पा ललिता को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं जहाँ वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव ज़्यादा है. इस स्कूल को मिस मेंडोज़ा चलाती हैं. मिस मेंडोज़ा ललिता के अप्पा को बताती हैं कि स्कूल में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बांटा जाता बल्कि डांस, एक्टिंग, खेलकूद से बच्चे के अंदर की पर्सनैलिटी को तराशा जाता है. ये सुनकर अप्पा खुश होते हैं, लेकिन अम्मा के माथे पर चिंता की लकीरें हैं क्योंकि वह नहीं चाहती कि उनकी लड़की इस स्कूल में पढ़े जहाँ की प्रिंसिपल ईसाई हैं, जहाँ की लड़कियाँ स्कर्ट पहनती हैं. उन्हें डर है कि कहीं उनकी बेटी का धर्म भ्रष्ट ना हो जाए. दूसरा, वो इस बात से भी नाराज़ हैं कि सिर्फ ललिता को ही इस स्कूल में एडमिशन दिलवाया जा रहा है. जी हाँ, सरोज को एक सरकारी स्कूल में दाखिला कराया जाता है. उसके पिता सरोज को एक सरकारी स्कूल और ललिता को एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन सरोज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. स्कूल में ललिता को वेस्टर्न डांस सिखाया जाता है जिसको ललिता स्कूल के एक फंक्शन में परफॉर्म करती है, जिसे देखकर उसकी बहन सरोज बहुत खुश होती है. वो अपने सपने अपनी बहन के जीवन को देखकर ही जीती है. अप्पा भी ललिता के डांस से खुश होते हैं. उन्हें लगता है कि उनकी बेटी जल्दी ही तरक्की करेगी. ललिता को अपनी खूबसूरती चार्म का एहसास हो जाता है. उसके मन में एक्ट्रेस बनने का ख्याल आता है. वो किसी भी हाल में फिल्म्स में काम करना चाहती है. ललिता पूरा पूरा दिन सजने सवरने शीशे के सामने गुजारती है, जबकि सरोज को इस बात की चिंता है कि बछड़े ने खाना खाया कि नहीं.
वो गाय की देखभाल कैसे करेगी। एक दिन मिस्टर गुप्ता नाम का एक फिल्म डायरेक्टर गांव आता है, जो भारत के गांवों के जीवन पर फिल्म बनाना चाहता है। ललिता के सपनों को जैसे पंख लग जाते हैं, वो मिस्टर गुप्ता से मिलती है। वो उसे अपनी फिल्म में लेने का वादा करते हैं। पूरा गांव ललिता की चर्चा में लग जाता है कि वो अब फिल्म में काम करने वाली है। मिस्टर गुप्ता गांव से चले जाते हैं। मिस्टर गुप्ता के वादा करने के बाद ललिता के सपनों की दुनिया में उथल पुथल मच जाती है। जब बहुत दिनों तक मिस्टर गुप्ता का कोई जवाब नहीं आता, ललिता घर छोड़कर भाग जाती है और सीधा मिस्टर गुप्ता के घर पहुंचती है। मिस्टर गुप्ता एक बेहद ही घटिया और इश्कबाज इंसान है, जो अपनी सभी नई हीरोइंस के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। खूबसूरत लड़कियां उसकी कमज़ोरी हैं। मिस्टर गुप्ता ललिता को अपने घर में रुकने देता है। मिस्टर गुप्ता ललिता को शहर में घुमाता है, इंडस्ट्री की पार्टीज़ में लेकर जाता है। पब, डांस क्लब, रेस्टोरेंट्स, यह सब देखकर ललिता को शहर से प्यार हो जाता है और गांव की ज़िंदगी मुश्किल, नीरस और उबाऊ लगने लगती है। मिस्टर गुप्ता ललिता के साथ भी फिजिकल रिलेशन बनाता है और ललिता प्रेग्नेंट हो जाती है। मिस्टर गुप्ता ललिता के साथ अपने रवैये में बदलाव कर लेता है, जिससे दुखी होकर ललिता वापस गांव लौट आती है। जब ये स्कैंडल उसके अम्मा अप्पा को पता चलता है, वो बहुत दुखी होते हैं। गांव की छोटी दुनिया में बातें बहुत देर तक छुपाई नहीं जा सकती। प्रेग्नेंट होने की खबर सुनते ही अप्पा ललिता को लेकर मिस्टर गुप्ता के घर पहुँचते हैं और मिस्टर गुप्ता से एबॉर्शन के पैसे मांगते हैं। मिस्टर गुप्ता सारा खर्च उठाता है। अबॉर्शन के बाद ललिता गांव वापस लौट आती है, लेकिन उसका मन गांव की ज़िंदगी में नहीं लगता। उसे शहर की चमक धमक याद आती है। एक दिन वो फिर एक बार घर से भाग जाती है और अपने अप्पा को एक चिट्ठी लिखकर छोड़ जाती है, जिसमें वो बताती है कि वह गांव में नहीं रह सकती। वो इस दुनिया की चमक धमक में खो जाना चाहती है। वो गांव की ज़िंदगी के लिए नहीं बनी है। वो अपनी ज़िंदगी से कुछ और चाहती है। वो लिखती है कि उसे ढूंढने की कोशिश न की जाए। सरोज और उसके अप्पा ललिता को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो उसे शहर में कहीं नहीं ढूंढ पाते। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको टू वर्जन्स का जो नरेशन है समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सी और सिंपल कहानी थी। जैसा मैं हर बार कहता हूँ आपसे कि आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, तो वो मैं सवाल आपसे पूछने वाला हूँ, उनके जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thank you.